डेंटल केरीज, डेंटल केरीज और टूथ डिके, डेंटल केरीज और टूथ डिके कॉजेस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। तो डेंटल केरीज बोलो या टूथ डिके बोलो, तो इसमें क्या होता है, टूथ डिके का मतलब क्या है कि दांत का धीरे धीरे खराब हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है उसको बोल देते हैं। इनेमल जो है वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है हमारे टीथ के ऊपर, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है हमारे टीथ के ऊपर, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग होती है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है कि उसकी सॉफ्टनिंग होती जाती है। अब अगर वो प्रोटेक्टिव कोटिंग जो हमारे दांतों के ऊपर है अगर वही धीरे धीरे सॉफ्ट होता चला जाएगा तो हमारे दांत की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जब दांत की स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि हमारे दांत जितने मजबूत पहले थे उतने मजबूत नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट बिगिंस विद बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइजेस द इनेमल। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लाक, ठीक। तो डेंटल केरीज को हम टूथ डिके भी बोलते हैं, दांत का खराब होना भी बोलते हैं। ये कैसे स्टार्ट होता है कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं और वो जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसमें शुगर मटीरियल होता ही है थोड़ा बहुत, तो वो जो शुगर मटीरियल है वो हमारे दांतों से चिपका रहेगा। अब जब वो दांतों से चिपका रहेगा तो उस पर धीरे धीरे करके जो सलाइवा है वो उस पर एक्ट करेगा। तो जब सलाइवा उस पर एक्ट करेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा कि वो उस शुगर को डीमिनरलाइज करने की कोशिश करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और जब वो शुगर को तोड़ेगा तो शुगर पर जब वो ऐड करेगा, अब शुगर जो है वो ऑलरेडी दांतों पर चिपका हुआ है तो दांतों पर भी उसका असर होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लाक। तो वो दांत में एक प्लाक बना देते हैं, प्लाक मतलब जिसको हम हिंदी में कह देते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, वो प्लाक बना देते हैं वहाँ पर। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लाक कवर्स द टीथ। सलाइवा जो है वो दांत की सरफेस तक पहुँच ही नहीं पाता क्योंकि दांत की सरफेस पर क्या लगा हुआ है, वो प्लाक चिपका हुआ है, ठीक है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। तो जो ब्रशिंग ऑफ टीथ है उससे क्या होता है, उससे वो जो प्लाक है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, हट जाता है। और हटने से क्या होता है कि हटने से हमारे दांत जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। इफ अनट्रीटेड, अनट्रीटेड मतलब अगर प्लाक लगा हुआ है दांत में कहीं पर और वो अनट्रीटेड रह जाता है, जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चों को कि भाई टॉफी नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, उससे दांत खराब हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि हम अगर टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, हमारे दांत में कहीं पर भी अगर वो चिपकी रह जाती है तो हमको थोड़ा सा इरिटेशन रहेगा, हमको बार बार ये लगता रहेगा कि यार कुछ लगा हुआ है इसको पहले मैं हटा लूँ, दांत पर कुछ लगा हुआ है इसको पहले मैं हटा लूँ। कोई छोटा बच्चा जो है, छोटे बच्चे को तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं है अगर कुछ दांत पर चिपका हुआ है तो चिपका रहने दो उसको, और पता चला कि चिपका हुआ है या कई दिनों तक चिपका हुआ है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो दांतों पर चीज जो चिपकी रह जाती है उससे दांत वहीं से ख़राब होने लगता है क्योंकि वहाँ तक सलाइवा पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन आपको बस ये तीन पॉइंट्स डेंटल केयरिंग्स में ये करना। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है, रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर इन द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एनर्जी वेयर इन द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं, दे ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी कैसे मिलती है, बाई टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ये क्या है, जो हम फूड खाते हैं ना, तो हमने मान लीजिए आलू खाया, गाजर खाई, रोटी खाई, खीरा खाया, कुछ भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हम खा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हम खा रहे हैं तो वो एक जैसा तो हुआ नहीं। अगर मान लीजिए हम सिर्फ रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही खाया जा रहा है, तो हम ये कहेंगे हाँ एक ही जैसी चीज़ हो गई हो तो। लेकिन जब अलग अलग तरीके की चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम एक जैसा सब्सटेंस नहीं खा रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब्सटेंसेस कंज्यूम करने की वजह से होगा क्या कि उन सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट भी करना होगा। वो जो डाइजेशन है वो डाइजेशन होता क्या है,
डाइजेशन बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन उन सब्सटेंसेस को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक करता है, ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करता है और साइड में एक बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो एटीपी है, जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी स्कूटर है और स्कूटर में हम पेट्रोल डाल रहे हैं तो पेट्रोल से चल रहा है, कोई स्कूटर बैटरी, आजकल बैटरी वाला स्कूटर आ रहा है, कोई स्कूटर बैटरी से चल रहा है, तो बैटरी का मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पेट्रोल में क्या है कि पेट्रोल का जो बर्निंग होती है, पेट्रोल को जब जलाते हैं तो उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम से जो है इंजन रोटेट करने लगता है, और वो जो इंजन का रोटेशन है, वो जो इंजन का रोटेशनल पार्ट है, वो स्कूटर के व्हील से कनेक्टेड है, तो व्हील घूमने लगता है। तो यहाँ पर एनर्जी कहीं मिल रही है पेट्रोल से, तो कहीं मिल रही है इलेक्ट्रिक चार्ज से। हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी जो मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी ही है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी टू रन, एनर्जी टू वॉक, एनर्जी टू वर्क, एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए जो एनर्जी होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कल की बात को दोनों ने ज्यादा सीरियसली ले लिया। अच्छा चलिए जी, इसके बाद देखिएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं क्या होता है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं किससे मिलकर बने हैं, वो छोटे छोटे टिश्यूज से मिलकर बने हैं, और जो छोटे छोटे टिश्यूज हैं वो किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं। हर सेल के अंदर क्या होता है, हर सेल, किसी भी सेल की हम बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो क्या फिल्डअप होता है, सहायक में साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, सिक्स होते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ये टूटता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, इसमें एक थ्री कार्बन मॉलिक्यूल, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल को कहते हैं पाइरूवेट। ठीक है, बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। फर्दर द पाइरूवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद फर्दर ये जो पाइरूवेट है, इस पाइरूवेट को इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ही ये सारा प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, साइटोप्लाज्म। ठीक है, पहले ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज को तोड़कर किस में कन्वर्ट करा जाता है, पाइरूवेट में, फिर पाइरूवेट को तोड़कर कन्वर्ट करा जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो एग्जांपल के तौर पे ये यीस्ट में ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस है, ये क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, तो इसलिए इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कि वो एरोबिक एक्टिविटी। जैसे एक होती है ना एरोबिक्स एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं या हम डांसिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, जिसमें हम सांस बहुत तेज़ी से लें, तो हम उन एक्सरसाइजेस को एरोबिक एक्सरसाइजेस की कैटेगरी में डाल देते हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेज की कैटेगरी में क्यों डालते हैं, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेने का रेट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेने का रेट बढ़ गया तो इसलिए उसको एरोबिक एक्सरसाइज बोल देते हैं, शॉर्ट एरोबिक्स भी उनको बोल देते हैं। एनरोबिक एक्सरसाइज कौन सी होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन लेने का रेट उतना नहीं बढ़ता, तो वो आ जाता है एनरोबिक की कैटेगरी। उसके बाद आइए सेकेंड, सेकेंड है तेज ऑक्सीजन, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो बॉडी में तो एनरोबिक रेस्पिरेशन होगी। बॉडी में एनरोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में जब जो भी रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है,
रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर जो फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर वो फूड का ब्रेक डाउन जो है वो बहुत स्लो पेस पर हो रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो हम ये कहेंगे कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। और जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एनारोबिक को कह देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन क्या है कि बॉडी जो है, बॉडी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ती ही रहती है, तो ऑक्सीजन तब भी चाहिए बॉडी को, लेकिन वो जो ब्रेक डाउन ऑफ पार्टिकल्स है ना उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, सांस तो हम लेते रहते हैं, ये होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन देखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो पाइरूवेट का ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप थ्री कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। सेकेंड देखें, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। द रिलीज ऑफ एनर्जी एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनारोबिक के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a three carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, आपने कई बार नोटिस भी करा होगा, हम जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि जब सांस लेना बहुत तेज होता है, तो अगर हम सो रहे हैं तो आपने कभी नोटिस करा है कि हम लेटे हुए हैं या सो रहे हैं तो क्या उस दौरान बहुत तेज तेज थोड़ी हम सांस लेते हैं, भाई उस दौरान किसी को देगा तो बहुत तेज तेज सांस ले रहा लेटे हुए, ऐसा नहीं होता, तो वो शांति से बहुत धीमी पेस पर सांस लेते हैं, उस दौरान ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जब हम दौड़ रहे होते हैं या किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो तब हमको सांस जो है वो बड़ी तेज़ पेस पर आता है, बहुत तेज़ी से आने लगता है। तो आपने कई बार ये नोटिस करा होगा कि हम रात में सो रहे हैं और सोते सोते अचानक हमारे पैर में दर्द होने लगता है, ठीक है, कभी कभी नीचे मतलब थाई में दर्द होता है, कभी थाई के नीचे दर्द होता है, आपने देखा होगा कभी कभी महीने दो महीने में कभी एक बार ऐसा हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं हाथों में पैरों में, कई बार किसी किसी के हाथ में होता है ऐसा दर्द, किसी किसी के पैरों में होता है, वो क्यों है, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो क्रैम्प्स आते हैं और इतनी तेज दर्द हो जाता है ऐसा लगता है कि बस पैर टूट जाएगा, बस ऐसे हुआ है कभी कभी, होता होगा ना कई बार सोते सोते उठ जाते हैं अचानक कि ये क्या हुआ, और फिर एक दो मिनट के बाद फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, नेक्स्ट डे सुबह तक भी रहता है वो दर्द हल्का हल्का, इतनी तेज़ दर्द हो जाता है। तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए इसी वजह से ये बोलते हैं कि अगर क्रैम्प से बचना है तो रात में सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर सो जाए, हमेशा कभी भी अगर आप रात में सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर सो रहे हैं तो क्रैम्प्स नहीं आएंगे बॉडी के अंदर, क्यों, क्योंकि वाटर जो है, वाटर जब बॉडी के अंदर जाता है तो जाने के बाद वो आयंस में टूटता जाता है, और वाटर में दो ही तरह के आयंस होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को सफिशेंटली मेंटेन रखता है बॉडी के अंदर। तो वही है यहाँ पर कि समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक, थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन, समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स, अनदर पाथवे or the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a three carbon molecule. तो जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो ये पायरुवेट है इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है बॉडी के अंदर। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। तो यही जो लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर बनता है इसी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, और ये बनता कब है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब आप ये देखेंगे इसी चीज़ को कि कब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, कब लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, और विद ऑक्सीजन मतलब प्योरली एरोबिक रेस्पिरेशन। तो तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है रेस्पिरेशन, उसको ऐसे करके यहाँ पर आप ये देखेंगे ट्री बनाकर समझा रखा है।
ग्लूकोज यहाँ लिखे हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इनसाइड ऑफ ब्लड पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल absence of oxygen bracket में लिखे in yeast example लिया था इसमें yeast का बढ़िया लिखेंगे lack of oxygen का मतलब absence of oxygen नहीं है oxygen की कमी क्या oxygen कम है ऑक्सीजन की माइटोकॉन्ड्रिया इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी यहां मिलेगा इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी यहां मिलेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन भी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी और थर्ड केस की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी यहां पर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी तो ये हमको मालूम ही है कि जब रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है रेस्पिरेशन तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वाटर प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी ठीक है हमें एनर्जी की ज़रूरत है हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो हम बहुत तेज़ी से हमको सांस लेना पड़ रहा है तेज़ी से सांस लेते हैं तो बहुत तेज़ी से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो उसके साथ में आपने नोटिस करा होगा भाप भी निकलते हैं ठीक है भाप निकलने का मतलब क्या है कि वाटर ड्रॉप्स भी निकलते हैं ठीक और साथ में एनर्जी एनर्जी तो लिबरेट होती है ठीक है तो ये तीन कैटेगरीज इस तरीके से होगी इसके बाद देखेंगे कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी व्हिच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. तो respiration में cellular respiration में जब energy produce होती है तो energy produce होती है ATP की form में ATP होता है adenosine triphosphate. तो उसकी form में energy produce होती है In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. तो इन प्रोसेसेस में एटीपी क्या होता है इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल तो ये जो एटीपी है एटीपी टूट जाता है एटीपी टूटता है तो टूटने पर ही हमको एनर्जी मिलनी शुरू होती है फॉर एग्जाम्पल हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल तो बर्न हो जाता है ना तो हमने पेट्रोल डाला स्कूटर के अंदर बर्न हो जाने का मतलब क्या है कि टूट गया ना वो भी खत्म हो गया ना तभी तो एनर्जी हमको मिली तभी तो हमारा स्कूटर एक जगह से दूसरी जगह तक गया सेम केस एटीपी के साथ है एटीपी इज आल्सो ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी
एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस. तो सेलुलर प्रोसेसेस के लिए एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है. ठीक है, करेंसी का मतलब जिस चीज़ को हम खर्च करते हैं, खर्च करने पर कुछ मिलता है. तो एनर्जी करेंसी है, तो हमने एटीपी को खर्च करा तो हमको उसके बदले में क्या मिला, एनर्जी मिली. सही है. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो ये होता है इस तरीके से है कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी एटीपी मौजूद है. बॉडी के अंदर ऑलरेडी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट मौजूद है और इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने पी ऐड कर दिया. पी क्या है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट उसको बोल दिया इन्होंने. इन्होंने बोला उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अगर किसी कोई भी हमारे पास कंपाउंड है और किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है तो हम उस कंपाउंड को बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एब्सेंट है तो हम ये कहेंगे कि फिर वो इनऑर्गेनिक है. तो ये सिर्फ फॉस्फेट है, फॉस्फेट होता है PO4. तो उसमें फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन के चार मॉलिक्यूल हैं. तो इसका मतलब फॉस्फेट में हमारे पास सिर्फ मतलब फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है. तो इसलिए उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते थे. यह है डाईफॉस्फेट. डाईफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट के डाई. डाई का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम्स हो गए, दो. इसीलिए तो डाइऑक्साइड बोलते हैं. अच्छा, अगर CO है तो CO का मतलब क्या है कि सिर्फ एक एटम ऑक्सीजन का, तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोल देते हैं. तो इसी तरह से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट के दो एटम्स हैं, तो इस वजह से उसको डाइफॉस्फेट बना. उसमें एक फॉस्फेट और ऐड कर दिया तो उसमें तीन फॉस्फेट के तीन एटम हो गए, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो एनर्जी रिलीज होती है इस दौरान. यहाँ एरो के ऊपर हमने लिख दिया एनर्जी, और ये कंबाइन कर जाएगा ATP और P कंबाइन कर जाएगा. तो कंबाइन करके हमको क्या मिलेगा, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, तो ये जो दो तीन पॉइंट्स हैं, ये जो उसमें ATP में लिखे हुए हैं, अगर ATP के बारे में क्वेश्चन बनता है तो ये दो तीन पॉइंट्स ये आपको जरूर मेंशन करना है. ठीक है, अच्छा है, जो नोट्स हैं, नोट्स मैंने NCERT में से बनाए हुए हैं, तो उसका कोई भी मतलब इसको शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, यानी इसको और छोटा करके मैं कुछ नोट कर लूँ, क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है. तो NCERT हम नहीं छोड़ सकते. उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है इसमें ATP में एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव द रिएक्शंस. ATP कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्सेस एंड मेनी अदर एक्टिविटीज. बहुत सारी एक्टिविटीज है लगातार हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं. लीवर काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, तो ये सारे ऑर्गन्स जो है काम कर रहे हैं. अब जब ये सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो इनको काम करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए. तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो ATP से मिलती है. तो बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं बॉडी के अंदर. जैसे आपने नोटिस करा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि भाई शुगर लेवल कम हो गया, तो शुगर लेवल कम हो गया तो अब ये है कि आप उसको बार बार मॉनिटर करते रहते हैं. तो जब शुगर लेवल कम हो गया तो वो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेते हैं. तो इंसुलिन का इंजेक्शन मतलब इंसुलिन आपके शुगर लेवल को फिर से थोड़ा सा बढ़ा देती है. तो जब कम हो गया है उसको थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया तो शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है. मेंटेन हो जाता है तो बॉडी ढंग से फंक्शन करती रहती है. तो जो हमारी बॉडी है उसमें डायबिटीज़ में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है छोटा सा, पैनक्रियास, स्टमक के ऊपर होता है. तो पैनक्रियास ने अगर काम करना बंद कर दिया, अगर काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब ये है कि पैनक्रियास ही क्या करता है, जब शुगर लेवल कम होता है तो शुगर प्रोड्यूस करने लगता है, जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो शुगर को रोकने लगता है, तो ब्लड में शुगर को मिक्स नहीं होने देता फिर. तो ये आप देख लीजिए, तो बड़ा स्मार्ट ऑर्गन है. जब ज़रूरत है किसी चीज़ की तो प्रोड्यूस कर देगा, जब ज़रूरत नहीं है तो उसको रोक लेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक, तो ये जो केमिकल एक्टिविटी है पैनक्रियास करता है.
किडनी का काम ये है कि जैसे ही वाटर आया या कोई भी चीज़ आई तो उसको फिल्ट्रेशन का काम करेगी किडनी, ठीक है। लिवर क्या करेगी, बाइल जूस सीक्रेट करेगी। तो सब जगह अलग 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 डिपार्टमेंट है बॉडी के अंदर, वहाँ अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ चल रही है। उन केमिकल एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर मशीनरी चल रही है अलग अलग तरीके की, उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए ना। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से या किसी और चीज़ से? तो हम ये कहेंगे कि बॉडी में वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है। उसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं, अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू। नॉस्ट्रल्स के थ्रू सांस हम ले रहे हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम सांस को छोड़ रहे हैं। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में तो नोज है ही नहीं ना, तो प्लांट्स कहाँ से गैसेस को एक्सचेंज करेंगे? तो हम ये देखेंगे प्लांट्स की जो बॉडी होती है उनकी बॉडी पर स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी बॉडी ही ब्रीद इन और ब्रीद आउट करती है प्लांट्स की, ठीक। तो एंड द लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर। लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस मतलब जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में लार्ज स्पेसेस होते हैं, छोटे 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 स्पेसेस होते हैं। तो उन स्पेसेस के थ्रू ही गैसेस अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर, दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। तो डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उनका एक्सचेंज होता रहता है। सेकंड पॉइंट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की डायरेक्शन किस चीज पर डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस पर। एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, प्लांट के बाहर अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो ऑक्सीजन प्लांट के अंदर आएगी। जब अंदर ऑक्सीजन भर गई, अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया तो वो ऑक्सीजन प्लांट के सारे सेल्स यूज़ करते हैं। जब प्लांट के सारे सेल्स ऑक्सीजन यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, उतने ही एरिया में प्लांट के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस ये काम करता है कि जब कंसंट्रेशन कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करती है। फिर देखिए, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, थर्ड पॉइंट है, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो हमने ये देखा है, हम ये कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट्स जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो फूड प्रिपेयर करते टाइम प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और तब जो एक बाई प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीजन बनता है। अब होता क्या है कि प्लांट्स को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, प्लांट्स भी रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है, उल्टा नहीं है। वो उल्टा जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ, वो फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से फूड प्रिपेयर करेंगे और उसका बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बना, ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है प्लांट्स को, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन उड़ ले लिया। अब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कितना बना, बहुत सारा बना, तो जो थोड़ा सा ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत थी रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन तो प्लांट ने अपने पास रोक लिया और बाकी सारा ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में वो छोड़ देता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो नाइट के टाइम पर फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, जब फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है तो प्लांट फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं। तो आप ये देखिए, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी क्या है प्लांट्स में, CO2 को एलिमिनेट करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, तो ये मेजर एक्टिविटी चलती रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पर किसी भी प्लांट के बड़े से ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे तो होगा क्या, दम घुटेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी ढंग से, ठीक है। तो बेचैनी होती है प्लांट्स के नीचे रात में,
आपको अच्छा नहीं लगता प्लांट के नीचे बैठना, ट्री के नीचे बैठना, लेकिन दिन के टाइम में आपको ट्री के नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा क्यों लगता है? जब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से मेरी बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। और यही चीज़ होती है जब आप गाज़ियाबाद छोड़कर कहीं हिल स्टेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आपको वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता। आप ये कहते हैं यहाँ तो बहुत हरियाली है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, यहाँ आते फिर आपका मूड खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। अच्छी चलिए जी, ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ड्यूरिंग द डे दिन के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दिया प्लांट ने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ा तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता। कहते हैं कि ज़्यादा भी छोड़ो, मुझे अपना फूड प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर देता है, अपने अंदर ही फूड प्रिपरेशन में इस्तेमाल करता है। हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज। तो CO2 रिलीज नहीं होता दिन के टाइम पर, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज होता है मेजर इवेंट एट दिस टाइम, इसलिए दिन के टाइम पर ऑक्सीजन ही ज़्यादातर रिलीज होता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? चलिए इतना करिए कि एक मिनट लीजिए अभी आप।
चलिए जी आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स हमने देखा, रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में देखेंगे, रेस्पिरेशन एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स जो है उनको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स पर आते हैं सबसे पहले। एक्वेटिक एनिमल्स दैट इज द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे वो वाले एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो वो क्या, उनका ऐसा थोड़ी है कि वो बीच बीच में पानी में से बाहर निकल कर आते रहे कूद कूद कर सांस लेने के लिए, मेरे बाहर हवा से मैं सांस ले लूँगा। तो वो क्या करते हैं, वो जो पानी के अंदर ही ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो उसी को यूज़ कर रहे हैं, उसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। सेकेंड है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organisms. ठीक है, तो जो dissolved oxygen है, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, तो जो पानी के अंदर dissolved oxygen है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो amount है, जो पानी के अंदर जो dissolved oxygen है उसका amount बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्योंकि उसका amount बहुत कम होता है तो इस वजह से उनको, एनिमल है तो एनिमल को ऑक्सीजन की ज़रूरत तो रहेगी, तो जब ज़रूरत रहेगी तो ऑक्सीजन अवेलेबल कम है तो वो बहुत तेज़ी तेज़ी से ना सांस लेता है। ठीक है, तो उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की एज़ कम्पेयर टू एयर। अच्छा, तो फिशेज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो फिशेज जो है, फिशेज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। तो फिशेज क्या करते हैं, वो अपने माउथ के थ्रू ही वाटर को लेती है और वाटर को इंजेस्ट करती है और फिर उसमें से ऑक्सीजन निकालने का काम कौन करता है, वाटर में से गिल्स। तो गिल्स जो है वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और जो वाटर है वाटर को फिल्टर आउट करके वापस पानी में भेज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये काम फिशेज करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में यही होता है कि वाटर जो है, वाटर किस, ऑक्सीजन जो है वो किसके थ्रू पास होती है, गिल्स के थ्रू पास होती है। सांस कहाँ से लेते हैं, फिशेस की अगर हम बात करेंगे तो मुँह तो होती नहीं उनकी, तो वो कहाँ से सांस लेते हैं, माउथ से ही सांस लेते हैं, मुँह से ही जाएगा पानी अंदर, पानी जाएगा सीधा गिल्स के पास, गिल्स क्या करेंगे ऑक्सीजन को निकाल देंगे, ऑक्सीजन को उसके बॉडी सेल्स को प्रोवाइड करा देंगे और जो वाटर है वाटर को पानी में ही छोड़ देंगे, ऐसा होता है। सेकेंड देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो आसानी से भी एटमोसफियर में रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आसानी से एटमोसफियर में ब्रीथ कर सकते हैं, तो एटमोसफियर में वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर फॉर रेस्पिरेशन। दे यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर फॉर रेस्पिरेशन। एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसी को वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड है, दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में यही जो ऑक्सीजन है ये अलग अलग ऑर्गन्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमोसफियर। ठीक है, तो उसी ऑर्गन में ऑक्सीजन जाकर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी जिसका सर्फेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो ये कहेंगे कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, हम एज अ ह्यूमन बींग, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो सर्फेस एरिया है वो लंग्स का होता है,
तो लंग्स का जितना जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है, तो इसीलिए लंग्स की कैपेसिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ एक्सहेल भी करते हैं, छोड़ते भी हैं। तो ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फियर। थर्ड देखेंगे, सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड has to take place across this surface, this surface is very fine and delicate. जिस surface पर भी exchange of oxygen and carbon dioxide होता है वो surface बहुत ज़्यादा fine होती है और बहुत ज़्यादा delicate होती है, नाजुक होती है। तो आपने देखा भी होगा कि मतलब देखा तो क्या होगा, पढ़ा होगा कि जो हमारे जो lungs हैं, लंग्स जो है, लंग्स की जो लाइनिंग है, तो लंग्स जिससे बने होते हैं बहुत डेलीकेट होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, और लंग्स जो है वो रिब्स के अंदर स्टोर होते हैं। तो रिब्स जो है, रिब्स क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है लंग्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, वही नेक्स्ट पॉइंट वही है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सर्फेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। इस सब के साथ साथ ये एरिया तो बड़ा प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि इसको बॉडी के अंदर होता है ये एरिया जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या हो गया, लंग्स हो गया। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सर्फेस इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बॉडी के अंदर रहता है। एंड इन एडिशन देर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया, देर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, जहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। मैकेनिज्म भी है, प्रोसीजर होता है कि किस तरह से ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो बायोमी वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लाइफ प्रोसेस वाला, और ये जो आप चैप्टर देखेंगे वो हेरिडिटी वाला है, हेरिडिटी वाला छोटा भी है और इंटरेस्टिंग भी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो भी छोटा है और इंटरेस्टिंग है, रिप्रोडक्शन भी इंटरेस्टिंग है, मतलब आगे के जो तीन चैप्टर्स हैं वो तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होता है, लंबे की वजह से थोड़ा बोरियत हो जाती है इस चैप्टर, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। फर्स्ट पॉइंट है, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स, तो ह्यूमन बींग्स में एयर जो है वो बॉडी के अंदर कैसे जाती है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू जाती है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जाएगी तो बाहर निकलेगी। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज, तो जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स में बहुत छोटे 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 ना हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर होते हैं, तो हेयर्स जो हैं वो हेयर क्या काम करते हैं, वो जो हेयर हैं वो रोकने का काम करते हैं, अगर किसी भी तरीके का कोई डस्ट पार्टिकल या कोई इम्प्योरिटी है तो वो हमारे लंग्स तक ना जाए, हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन की जाए, ठीक है, तो इम्प्योरिटी या इम्प्योर गैसेज लंग्स तक ना पहुँचे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, फ्रॉम हियर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स, फ्रॉम हियर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। तो जो पैसेज है, ये जो एयर का जो पैसेज है, इस एयर के पैसेज में हमने देखा कि म्यूकस भी होता है, तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक ऑयली सब्सटेंस होता है, वो ऑयली सब्सटेंस आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए ज़मीन पर कहीं पर आप दो या तीन ड्रॉप जो है ऑयल की वो ड्रॉप गिरा दीजिए ज़मीन पर, और फिर आप क्या करें, आप एक दो घंटे बाद आकर उसको चेक करिएगा, तो आप ये देखेंगे कि पहले तो वो ऑयल की ड्रॉप बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई दे रही थी, फिर आप देखेंगे उस पर छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स चिपक गए। तो ऑयल की प्रॉपर्टी होती है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को या इम्प्योरिटीज़ को कैच करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वही जो है वैसा ही एक ऑयली लेयर हमारी नाक के अंदर भी होती है, तो नाक के अंदर एक ऑयली लेयर डिपॉजिटेड होती है, उसको हम म्यूकस बोलते हैं। तो वो जो म्यूकस है वो ये काम करता है कि डस्ट पार्टिकल्स कुछ जो है वो तो हेयर में चिपक गए है ना, और कुछ जो है वो उस म्यूकस में चिपक गए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जितनी भी गंदगी है वो हमारे लंग्स तक नहीं जाएगी, नहीं तो बार बार जो है हमारे लंग्स ही गंदे होते रहेंगे, तो लंग्स गंदे ना हो पाए तो इस वजह से क्या होता है, ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस है, म्यूकस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड है,
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, तो थ्रोट में रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, मतलब छोटे छोटे ना रिंग्स होते हैं। थ्रोट ऐसा नहीं होता कि सीधा सीधा एक पाइप हो, उसमें क्या होता है कि एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, ऐसे ना रिंग्स होते हैं। तो रिंग्स में क्या होता है, रिंग्स में ना छोटा छोटा सा मतलब स्पेस होता है, तो उस स्पेस में क्या होता है थोड़ी सी ना ऑक्सीजन स्टोर रह जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर तो हमने ऑक्सीजन दी, तो ऑक्सीजन दी अगर मान लीजिए बिल्कुल स्मूथ पाइप होता, तो थ्रोट अगर बिल्कुल स्मूथ पाइप होता तो हमने ऑक्सीजन ली तो बिल्कुल फिसलती हुई ऑक्सीजन फटाफट हमारे लंच तक पहुँच गई, लंच तक पहुँच गई, हमारे लंच में ठीक से काम कर रहे हैं, लंच ने सारे ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। तो जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते अब हमारे को बेचैनी शुरू हो गई। बेचैनी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि अब हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो हमारे बॉडी सेल्स जो इरीटेशन शुरू हो गई, उसमें हमने भी इरीटेट होना शुरू कर दिया। तो हम तो थ्रू आउट द डे इरीटेट ही होते रहेंगे, जब सांस छोड़ेंगे तभी इरीटेट होंगे, फिर सांस छोड़ेंगे फिर इरीटेट होंगे। तो वो जो रिंग्स हैं, छोटे छोटे जो रिंग्स हैं, उनमें क्या होता है, उनमें थोड़ी 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 ऑक्सीजन स्टोर रहती है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो उस दौरान बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, रिंग्स में स्टोर होती है, वो फटाफट चली जाती है बॉडी के अंदर। जब वो बॉडी के अंदर चली जाती है तो तब हमको पता चलता है कि भाई इस तरीके से सांस ली जाती है। ठीक है, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को थोड़ी पता है कि मतलब जब से पैदा हुआ तब से मैं सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ। धीरे धीरे बड़े होते हैं तब लगता है कि नाक के थ्रू कुछ जा रहा है, फिर बाहर भी निकल रहा है। फिर धीरे धीरे हम पढ़ते हैं तो अच्छा ऑक्सीजन ले, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड ले, तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई का सिमिलर होता है एल्वियोलस। The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. Exchange of gases कहाँ पर होती है, एल्वियोलाई में होती है, मतलब वो जो मतलब छोटे छोटे ना पाउच होते हैं लंग्स के अंदर, छोटे छोटे पाउच होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, वो हम सांस लेते हैं तो वो फूल जाते हैं, ऑक्सीजन बढ़ जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन निकल जाती है, तो उनको एल्वियोलाई बोलते हैं। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, और जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का भी नेटवर्क होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अल्टीमेटली ब्लड में ही मिक्स होती है, एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पहुँचाते हैं सारी ब्लड वेसल्स तक। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स मतलब बचपन से, जब से हम बड़े हुए तब से हमने नोटिस करा है, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट अवर रिब्स, हमारे जो रिब्स हैं उठ जाते हैं, थोड़े से उठ जाते हैं हम सांस लें, एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। जो चेस्ट कैविटी है थोड़ा सा सांस लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, इसी की वजह से जो एयर है वो लंग के अंदर जो है वो पहुँच जाती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स to be transported to all the cells in the body। तो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में से घूम फिर कर चारों तरफ से, चारे हर तरफ से, सारे सेल्स से और ऑर्गन से सबसे मिलते जुलते ब्लड जो है वो सबसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करा देता है किसको, लंग्स को, और जो लंग्स है लंग्स से ऑक्सीजन लेकर और फिर पूरी बॉडी में घूमना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को पूरे बहुत जब वो हार्ट का पूरा डायग्राम और उसकी हार्ट की वर्किंग देखेंगे उसमें इसको दोबारा से पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, वही जो मैंने आपको बताया रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, थोड़ा सा एयर उसके अंदर बचा रहता है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए भी ठीक ठाक टाइम मिल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने के लिए भी ठीक ठाक टाइम मिल जाए, इस वजह से थोड़ा सा रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमेशा बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर हमने सांस छोड़ी और हमको एकदम से बेचैनी होने लगे कि फटाफट सांस लें। ठीक है, और जैसे ही हम सांस लें तो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, तो उनको बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि अभी फटाफट से मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना चाहता हूँ इसलिए। ठीक है जी, ये हमारा रेस्पिरेशन कम्प्लीट होता है, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज इतना ही करेंगे।